हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। और ये रक्षाबंधन का व्लॉग है। तो शुरुआत होती है राखी बांधने से। नीनू भैया बंधवा रहे हैं नीनी से राखी, जो कि छोटी है इसलिए मम्मा राखी बांध रही है। और इन्होंने किया किट कैट का आदान प्रदान। अब अच्छा चाचा बंधवा रहे हैं राखी। दादा नीनी को खिला रहे हैं उसके पिंक कलर के घोड़े में, जो उसके लिए हमने कल ही नया खरीदा है। और नीनी उस पर डांस कर रही है। अब हम बांध रहे हैं अपने पतिदेव को राखी, क्योंकि पति भी पत्नी की रक्षा करते हैं, इसलिए हम उन्हें राखी बांध रहे हैं। और हमने किया तिलकरण। पतिदेव सोच रहे हैं कि कौन से हाथ में राखी बांधा जाए कि वहाँ, फिर उन्हें याद आया कि सीधे हाथ में राखी बंधवाई जाती है। ये क्या, राखी टूट गई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सब दुकानदार की गलती है, उसने हमें पुरानी राखी दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पतिदेव हमारी रक्षा नहीं करेंगे, वो करेंगे, मरते दम तक करेंगे। और हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो और किसकी रक्षा करेंगे। अब हम तैयार हुए हैं, चले चलते हैं दूर। राखी बांधने का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, तो हम निकल रहे हैं दुर्ग की ओर। क्या रास्ते पर पानी गिर रहे हैं? ये पानी नहीं, ये तो उन आशिकों की अश्रु की धारा है जिन्होंने अपनी क्रश से राखी बंधवा ली है। अरे देखो, दो मजनू जो रास्ते पर गिर गए, ये अपने क्रश से भाग रहे थे ताकि उनकी क्रश उन्हें राखी न बांध पाए, और ये अपने कार्य में सफल रहे। ये भाग गए और आंसू की धारा और बढ़ गई। ये पानी एकदम बुरी तरह मूसलाधार बारिश में बदल चुका है। हम जा रहे हैं और ये आ गए हम बुआ के घर। अब लेंगे हम एंट्री। और नीनू भैया ने कर लिया है दृष्टि दीदी के खिलौने पे कब्जा, वो हमें दिखा रहा है मैंगो। नीनू भैया कह रहे हैं हम जूस ली दी बाबा, हम जूस ली। और मैं खा रही हूँ खाना। नीनी बैठी हुई है बिस्तर में, दृष्टि दीदी की खिलौने में कब्जा मार के। वो दादी उसके बाजू में बैठी हुई है, दृष्टि उसे देख रही है लड़की मेरे खिलौने के साथ क्या कर रही है। और यहाँ पे बैठे हुए परिवार के पूरे सदस्य, ये है हमारी माया भाभी। माया भाभी के हाथ का खाना जिसने खाया उसने परम सुख पाया। और ये है हमारी संतोषी बुआ, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं नोनी 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 नोनी। यहाँ तालाब किनारे चल रही है भाइयों की चर्चा, किसने अपनी बहन को कितने पैसे दिए। हमने बनवा ली यहाँ राखी। चलिए चलते हैं मेदी के घर की ओर, जो की है मेरी नन। हम निकल चुके हैं घर से। यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हमने के ऑटो को पीछा, यहाँ मेरे नेकलेस के ऊपर हुई चर्चा। इसके पश्चात पापा द्वारा की गई बाहर की चढ़ाई, वो धीरे धीरे चढ़े थे और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते उन्हें थकावट होने लगी थी। पापा के पीछे पीछे चलती हमारे पतिदेव और पतिदेव के पीछे हमेशा की तरह मैं। अब हम जा रहे हैं घर के अंदर, चलिए चलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं चाचा भतीजी की मस्ती। और विधि द्वारा उतार ली गई है आरती। अब वो बांधने जा रही है अपने भैया को राखी, और ये उसने राखी बांधने स्टार्ट कर दी। और भैया ने पैसों के लिए जेब को टटोला और देखा कि 500 रुपए है। अरे 500 रुपए तो गए रे बाबा। और यहाँ विधि उतार रही है पुलकित और अक्षत भैया की आरती। वो कह रहे हैं मैं तो आरती उतारू रे पुलकित भैया की। और यहाँ पे विधि द्वारा पैसे की मांग। और ये बांध रही है और ये खा रहे हैं हमारे परिदेव मिठाई। उन्होंने मिठाई ठूस ली है, अब खा रहे हैं अक्षत चाचा मिठाई, जो खा रहे हैं मिठाई। और यहाँ पे विधि की सास कह रही है कि मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे कैमरे में न लाओ। राखी बांधने के बाद वो देख रही है कि कौन कितने पैसे देगा। और इनका कहना है विधि के लिए 2 लाइन, 1 लाइन और 2 लाइन उन्हें खींच दी है। नीनू भैया भी 2 लाइन बोल रहे थे और उन्होंने भी 2 लाइन खींचवा ली है। उनके भैया का कहना है कि जो भी खाना बचा है उसे पैक करवा लो। और इनके पति देव का कहना है कि ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और यहाँ पे हमारे नीनू भैया खेल रहे हैं लाइट से। अब अक्षर चाचा गा रहे गाना दीदी रे दीदी रे दीदी रे दीदी नड्डा पापड़ खा। अब हमारे नीनू भैया भी गाना गा रहे हैं नड्डा पापड़ खा नड्डा पापड़ खा नड्डा पापड़ खा। अब आ गए हम विधि के नए घर, जो अभी बढ़ रहा है। और यहाँ हमने खिंचवाई है फोटो। अब हम जा रहे हैं नीचे, सब कर रहे हैं खजाने की खोज, कुछ छुपा तो नहीं है। और यहाँ पे आ गए पतिदेव को कलिक का फोन और उन्हें देख रहे हैं। ये देवेंद्र भैया जो कि उनके साथ उनके ऑफिस में काम करते हैं। हम आए उनके घर में बैठे और उनकी वाइफ ने दिया हमें पानी। और हमने खिंचवाई एक फैमिली फोटो, उसके बाद हम निकल गए और फंस गए ट्रैफिक में। यहाँ ट्रैफिक की लंबी लाइन लगी हुई थी, चारों तरफ कार ट्रक और बस खड़े हुए थे। और हम पैदल यात्री की तरह धीरे धीरे खसकते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर आए हम सिग्नल की ओर और सिग्नल से हमने लिया यू टर्न और हमने इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई जितनी सबने चलाई। वहाँ एक रेस लगी हुई थी कि मैं पहले घर पहुँच जाऊँगा, मैं पहले घर पहुँच जाऊँगा। ये सब मुहूर्त के कारण हुआ, क्योंकि रक्षाबंधन का मुहूर्त था 9:30 बजे रात का। तो यहाँ ट्रैफिक जाम इतनी बुरी तरह लगा हुआ था कि हम करीबन घंटे भर में तो वहाँ से निकले होंगे। और आप रेस देख ही सकते हैं, ये सब जा रहे हैं अपनी बहनों के घर राखी बंधवाने। कहीं राखी बंधवाने के चक्कर में ये अपनी खुद की रक्षा करना ना भूल जाएं। और हम यहाँ खिला रहे हैं पतिदेव को आलू का चिप्स, तो हमने उनके मुंह में अभी अभी ठूसा क्योंकि उन्हें लगी थी जोरों की भूख। और यहाँ हमने देखा शुगर मून, शुगर ब्लू मून, जो हमें किसी एंगल से ब्लू नहीं दिखा। अगर आपको ब्लू दिखा होगा तो कमेंट सेक्शन में इसकी फोटो जरूर डाल दीजिएगा। यहाँ पे ट्रैफिक जाम में हमें सभी चालक की लिंगाई, एक साइड थी बस, एक साइड ट्रक, बीच में हम थे सलाद की तरह। नीनू भैया गुरु दादा की गोद में महाराज की तरह। और आ गए हैं हम बुआ के घर, जहाँ रिमझिम बांध रही है अपनी निक्की भैया को राखी। और वो नजर डाल रहे हैं अपनी बुरी नजर मिठाइयों पर। और ये उन्होंने मिठाइयों को काटा और खाली मिठाई। अब अच्छा अच्छा जगह नंबर वो गए रहे पैसे, कितने पैसे दूँ उस लड़की को। हमारे पति देव खा रहे हैं राखी, क्या मिठाई है वह। अब पुलकित चाचा बनवा रहे हैं राखी।
ये बनवा रहे हैं पुलकी जैसे राखी, बन गई अभी खा रहे हैं मिठाई, हाँ मिठाई अच्छी थी। ये हमारी अनुष्का दीदी जो हंसती रहती हैं, ये ज़्यादा क्लोजअप करती रहती हैं। ये हमारी है गुड़िया बुआ जिसे मुन्ना फूफा कहती हैं, आफत की पुड़िया, मिस गुड़िया आफत की पुड़िया। ये राखी बन गई है, आज तो तगड़ी कमाई होगी। मैं बांध रही हूँ हमारे कुणाल भैया को राखी, और नीलू भैया कर रहे हैं छोटी सी बिल्ली से लार दुलार, वाह क्या बिल्ली थी। और हमारे पति देव दिखा रहे हैं राखी, आज तो मैंने बहुत सारी राखी बनवाई है। अब ये इसे पापा बता रही हैं, हम बना रहे थे छोटा सा शॉर्ट्स पनीर के बारे में, आप ये जाके हमारे शॉर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। ये शॉर्ट्स है मेहमानों के आने पर घर वाले से जो भेदभाव किया जाता है उसके बारे में, टैन टैना। और ये हमारे द्वारा किया गया कुछ नाच गाना, और हम निकल गए। मुन्ना फूफा नीनू को कुछ ज्ञान की सीख वाली बातें बता रहे हैं, और नीनू भैया उसे सुन के बड़े खुश हो रहे थे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं सुबह तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं शाम को तो आपके लिए गुड इवनिंग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं रात में तो आपके लिए गुड नाइट। नाइट सब वक्त है, गुड डे। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही।